चला मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर एक मोबाइल है, मोबाइल हम यूज करते हैं, ऑन ऑफ 10 बार ऑन ऑफ करेंगे उसकी बैटरी 2% कम होती है, और ये ईवीएम मशीनें हमारे वहाँ बूथों पे गई, क्या 1% भी बैटरी यूज नहीं हुई? ऐसे तो हिंदुस्तान में मैंने पहली बार कपड़ा देखा इतना बड़े कपड़ा। ये जो 4 ईवीएम है वो 6 ईवीएम के बाद वाली है? हाँ, 6 के बाद 4 और 10 हो गई है, मतलब इतना बड़ा कपड़ा जिनमें 73 बैटरी आ रही है। हाँ, उनमें सिग्नेचर है? उसमें सिग्नेचर है, इसमें सिग्नेचर नहीं है, इनमें नहीं है 99 वाले। और इसमें डबल वोट पोल, बीजेपी का डबल वोट पोल, उसमें सिर्फ 50 से 60 वोटों का फर्क है, इसमें डबल वोट पोल। तो क्या मानते हैं क्या? ये तो अन्याय हो रहा है सर, ये सरकार हमारा गला घोट रही है, सरकार आ रही है, हमारे कैंडिडेट को दबाया जा रहा है। तो रोकी नहीं गई काम? छाजी आगे बीच में हमारे कैंडिडेट आगे बात कर रहे हैं, हमने गिनती रुकवा दी है। रुकवा दी? हाँ, हमने पहले राउंड के बाद रुकी है। हाँ जी, कितने राउंड के बाद रुकी? अभी पहले हमने 2 राउंड के बाद रुकवाई थी, ये 3 राउंड की, अब 4 राउंड की फिर रुकवाई हमने। ये तो सर 9 मशीनें पकड़ गई है, अभी 4th राउंड नहीं हुआ। अरे वैसे वैसे जीत मान लो सर, अभी पूरा नहीं, इलेक्शन ही लग रहा हो इससे बढ़िया, वैसे जीत मान लो तो जितवा दी तुम्हें, इलेक्शन ही लग रहा हो, ये क्या मतलब है? हर जगह प्रेशर, ये थोड़ी होती है, थोड़ी चलता है। रोकने के बाद जबरदस्ती दोबारा चालू कराएगी, जबरदस्ती चालू कराएगी, हमने हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमने मशीनों में दिक्कत है, हमने कहा इसको अभी रोका जाए, एडीसी साहब को भी बोल रहा है, उसके बाद भी हमारे काउंटिंग हमारे इलेक्शन कमीशन की दात है, चाहे गुंडागर्दी होती है अपना करते रहो, ये कोई बात है यार, इलेक्शन कमीशन ऐसा चाहेगा भाई गुंडागर्दी करते रहो, जितवाते रहो लोगों को, ये तो हमने पहली बार देखी। 20 बूथ पे सीरियल नंबर नहीं मिला गया मशीन का, 20 साइन भी नहीं, अफसर के साइन नहीं है। दोबारा से हमारे पास 48 नंबर आया, 48 नंबर के अंदर बैटरी का जो बैकअप है 99% उसमें दिखा रहा है, 9 मशीन, मतलब हमारा बूथ है ना, 4 राउंड में 9 मशीन, गांगली नजर आती है, एक तरफ मतलब अफसर के साइन नहीं, 9 मशीनों पे दिखा जा रहा है, मशीनों पे बहुत गड़बड़ी है, अफसर के साइन नहीं सील पे, कमाल होगी ऐसी कपले बाजी, ऐसी जीत ले, कमाल होगी, वैसे इलेक्शन क्यों कराते हो, इलेक्शन क्यों कराते हो, इलेक्शन पारदर्शी होना चाहिए। नहीं सर, जिसमें बैटरी फुल है, जिसमें मशीन यूज नहीं करी गई या नई मशीन लगा दी है, जिसमें बैटरी फुल है, अगर नई मशीन लगा दी गई है इसका मतलब अभी भी होता है, वो भी पूरा दिन में 20-25% तो गिरती है। कुछ मशीनें तो ऐसी हैं जिसपे सील पे साइन ही नहीं है, साइन ही नहीं है, यूज ही नहीं है, कमाल। अगर बैटरी सारा दिन चलेगी तो कम से कम 20-30% तो बैटरी खत्म होती है, लेकिन 99% आ रही है, 99% मशीन के अंदर बैटरी आ रही है, 99% है, इसके अंदर 1% चली है, तो ये तो सरेआम गांगली नजर आ रही है। हमने इंजीनियर से पूछा है कि ये 99 क्यों नजर आ रही है, तो इंजीनियर ये बोल रहा है जी बैटरी कम है, एरर आ रहा है डिस्प्ले का, इसलिए 99 आ रही है। हम इसकी बात को मान लेते हैं कि ये बैटरी का एरर आ रहा है, ये 99 है, तो ये एरर तो वोटिंग में भी हो सकता है कि आ कुछ रही और एरर कुछ और हो, यानी कि मशीन एरर दे रही है ईवीएम, ये चीज साबित है कि मशीन में एरर है। अब ये सिर्फ बैटरी का कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो और भी जगह हो सकता है, तो इसकी उसमें बीजेपी की वोटिंग भी ज्यादा है। हाँ, तो इस चीज को वीवीपैट जरूर चेक होने चाहिए, जितने भी डाउटफुल है, चाहे रिजल्ट 2 दिन लेट आए, सबके वीवीपैट जरूर चेक होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन आई थी, डबले हो रहे हैं, फोन आया था भाई, इन्फॉर्मेशन आई थी, घपलेबाजी हो गई, वही काम हो रहा है। रात को 11 बजे मेरे पास फोन आया, अभी घपलेबाजी हो गई, वही काम हो रहा है। आपके लोग भी तो यहाँ पर मौजूद रहे होंगे, आपके लोग बिल्कुल मौजूद है, उसके बाद ये काम कर रहे हैं, 9 मशीनों में 99% बैटरी। अरे हम मोबाइल यूज करते हैं, उसमें अगर हम 2 बार मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे, 1% बैटरी वैसे खत्म होती है, और इस बैटरी इसमें ईवीएम में तो वोटिंग हुई है, वो बैटरी खत्म ही नहीं हुई, सारा दिन चली मशीन, सारा दिन चल के भी 1% भी बैटरी नक जा रही है, कमाल होगी, ये तो पूरी चोर बाजारी है, बहुत तगड़ी चोर बाजारी हो रही है। अरे वैसे ले लो तुम्हें, नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि ये बाद में भी करोड़ रोएंगे, नहीं नहीं वो तो पहले कह रहे थे, हमने 70 का प्रोग्राम सेट किया हुआ है, आप आपकी बात नहीं कहते, अभी करंट की बात है, ये बात की बात है, इनको विधायक जी को सर्टिफिकेट वैसे दे दो, क्या जरूरत है हमें इलेक्शन करने की, सर्टिफिकेट वैसे पकड़ा दो, मतलब आपको डाउट हो रहा है कि यहाँ डाउट पूरा करने जनता की हत्या हो रही है, पब्लिक ने फुल फ्लैश वोट दी है, जनता पब्लिक की हत्या है, इसमें लोकतंत्र की हत्या है। मतलब आप कहीं ना कहीं एक तरह से प्रशासन जो यहाँ पर चारों तरफ अलर्ट है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, तो क्यों नहीं उठेगा जी, कमाल है, ये बैटरी बता रही है, बैटरी 1% चलेगी, सारा दिन आप मोबाइल चलाओगे, कम से कम उसमें 20-30% 40% तो बैटरी खत्म होगी, इसके अंदर सारा दिन मशीन चली है, 99% बैटरी दिखा रही है, ये तो 1% बैटरी चली सारा दिन, या तो अंदर बैठो या बाहर। तो आपने तस्वीरें देखी सीधी पानीपत जो शहरी विधानसभा की जो मतगणना है वो जो चल रही थी वो थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वीरेंद्र शाह के जो समर्थक हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है
कि जो मशीनें हैं उनमें धांधली का देखने को मिली है।